और अब परिणाम की घोषणा का समय हो गया है। तो राजगुरु तथाचार्य जी को 15,600 मत प्राप्त हुए हैं और पंडित रामाकृष्णा को 15,000 600 ही मत प्राप्त हुए। दोनों को बराबर प्राप्त हुए। तो दोनों को समान मत प्राप्त हुए। महाराज बताइए अब कैसे निर्णय लेंगे, कौन जाएगा हमारे साथ वन में? गुरुदेव यह निर्णय लेना तो अत्यंत कठिन है क्योंकि दोनों को ही समान मत प्राप्त हुए हैं। महाराज मतदाताओं की सूची देखने पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि कुल मतों में से कोई एक मतदाता ऐसा है जिसने अभी तक अपना मत नहीं दिया है और अब उसके एक मत से ही ये निर्णय होगा कि चुनाव का विजेता कौन है। क्या आप क्या कह रहे हैं? कौन है वो जिसने अपना मतदान अभी तक नहीं किया है? वो मैं हूं महाराज। पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण का मत देना विशेष है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक अपना मतदान नहीं किया और कर भी नहीं सकते महाराज क्योंकि चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। हाँ गुरुवर, परंतु आप दोनों बराबर स्थान पर हैं और किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें एक मत की आवश्यकता है और वो एक मत पंडित रामाकृष्ण का है। जी महाराज, इनका मत मान्य नहीं होगा क्योंकि मतदान का समय समाप्त हो चुका है। नहीं गुरुवर, अभी भी कुछ क्षण शेष हैं। पंडित रामाकृष्णा जी आप बिना विलंब किए मतदान दीजिए ताकि चुनाव का विजेता घोषित किया जा सके। महाराज कुछ कहिए, कुछ करिए, ये सही नहीं हो रहा है महाराज। पंडित रामाकृष्ण अपने पक्ष में मतदान करेंगे और हम पराजित हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम विजयनगर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम विजयनगर छोड़कर वन नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ शांत हो जाइए गुरुवर। मेंढक नहीं का। पंडित रामाकृष्ण जी मतदान दीजिए। ये सब होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। और पंडित रामाकृष्णा जी के इस मत के पश्चात यह चुनाव संपन्न हुआ और इस एक मत से राजगुरु तथाचार्य जी इस चुनाव के विजेता हुए। पंडित रामाकृष्णा ने ऐसा क्यों किया? अवश्य इसके पीछे इनका कोई स्वार्थ होगा। पंडित रामाकृष्ण आपने अपना मत हमें दे दिया, क्यों? ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ?
कहीं सत्य में गुरुजी के पास खजाना तो नहीं है? यदि ऐसा हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं पंडित रामकृष्णा। गुरुवर, सत्य तो यही है कि आप और मैं वैसे भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम जो करते हैं। क्यों पंडित रामकृष्णा, हमारे साथ साथ यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही कौतूहल है कि आपने अपना मत स्वयं को ना देकर गुरुवर को क्यों दिया। महाराज, सत्य तो ये है कि मैं वन जाना नहीं चाहता था। सत्य ये भी है कि मैं आपसे और विजयनगर से असीम प्रेम करता हूँ। और ये भी सत्य है कि मैं स्वार्थ के पुष्पों को गूथ कर वो विजय माला अपने गले में नहीं डाल सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज कि मैंने जो कुछ भी किया उचित किया। कैसे उचित है बताइए। गुरुवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपकी अस्वस्थता से अनभिज्ञ होकर मैंने आपको अत्यधिक कष्ट पहुंचाया। किंतु सत्य तो यह है कि सच में मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि आपका वन जाना और वहां जीवन यापन करना आपके लिए इतना कष्टकर होगा। साथ ही साथ आपका धन्यवाद कि आपने कल मेरे आवास आकर क्रोधवश ही सही अपने स्वास्थ्य के विषय में बताया और वन जाने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की। मैं भला सब कुछ जानकर आपको वन कैसे जाने दे सकता हूं गुरुवर? मैं गुरुवर कहता हूं आपको, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप नहीं, मैं जाऊंगा। महाराज, गुरुवर स्वयं के आयु के विषय में बात होती देख और स्वयं को वृद्ध कहलाता देख अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि गुरुवर मुझसे आयु में बड़े हैं, वृद्ध हैं। वन में जीवन बिताना इनके लिए प्रताड़ना समान होता, और मैं अपने पिता तुल्य गुरुवर को प्रताड़ित होते नहीं देख सकता। क्यों गुरुवर, वृद्ध तो आप हो गए हैं ना? अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आप जैसा सेवक पाकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है जितनी एक भालू को मद पाकर होती होगी। वाह! तो महाराज, ये तय हो गया कि हमारे साथ वन में पंडित रामकृष्ण जाएंगे। पंडित रामकृष्णा, हमें गर्व है आप पर, और हम ये भी भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार का निर्णय केवल आप ही ले सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं। हमें आप बहुत याद आएंगे। यही नियति है महाराज। चलिए पंडित रामकृष्ण, आप विलंब ना करें, अपना सामान तैयार कर लीजिए। संध्या होने पर हमें वन की ओर प्रस्थान करना है। अवश्य गुरुवर, किंतु जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अवश्य मांगिए, किंतु ये ना मांग लीजिएगा कि आप विजयनगर में रहना चाहते। नहीं नहीं, वो नहीं मांगूंगा। महाराज स्वयं आपको गुरुजी कहते हैं, आप महाराज के गुरु हैं। आपने महाराज के प्राणों की रक्षा की, इन्हें नया रूप नई पहचान भी दिलाई। बस यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव महाराज पर बना रहे, जीवन भर आपकी छत्र छाया महाराज और विजयनगर के इस महल पर सदैव बनी रहे, बस यही वचन चाहिए। अरे पंडित रामकृष्ण, ये भी कोई कहने की बात है? हमारा आशीर्वाद तो सदैव महाराज के साथ है ही, फिर भी हम आशीर्वाद और वचन देते हैं कि महाराज पे और इस महल पे हमारी छत्र छाया सदैव रहेगी। अब आप अपने निवास स्थान पर जाइए और जो भी सामान लेना हो ले लीजिए, क्योंकि संध्या होने पर हमें यहाँ से वन की ओर प्रस्थान करना है। जी जी, अवश्य। दोनों महिलाएं बिल्लियों की भांति विलाप क्यों कर रही है? क्योंकि इन दोनों बिल्लियों में से नहीं, मेरे कहने का अर्थ है इन दोनों महिलाओं में से ये मेरी अम्मा है और ये मेरी पत्नी है, ये दोनों भी हमारे साथ वन की ओर प्रस्थान करेंगी। अति उत्तम, यानी एक सेवक के साथ दो सेविकाएं, यानी एक बंदर के साथ दो लोमड़ियां। नहीं,
आप लोमड़ी नहीं, आप सिंह नहीं, आपका भी रूप परिवर्तन करना होगा। आपको हम हंसनी की भांति बनाएंगे और आपको मोरनी की भांति। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुवर। पंडित रामकृष्णा, हमने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। मन में जाते हुए मार्ग में खा लीजिएगा। आप क्यों इतना कष्ट देती हैं? क्या लेती हैं? छोटी महारानी जी, आप स्वयं इतना कष्ट क्यों लेती हैं हमारे लिए, है ना? यही तो हमारा बड़प्पन है। पंडित रामकृष्ण, आपके बिना तो विजयनगर एकदम सूना हो जाएगा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मित्र के वियोग में रहेंगे कैसे। आप बहुत याद आएंगे मित्र। मुझे भी महाराज, अब तो आपकी स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार बनेंगी। आप अपना ध्यान रखना। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। माना आप में सैकड़ों बुराइयां हैं, किंतु आप इतने बुरे हैं नहीं। हम ही जानते हैं आपके बिना 20 वर्ष कैसे बिताए थे हमने। आपसे वाद विवाद किए बिना हमारा भोजन नहीं पचता है। उचित है गुरुवर, यदि इतना ही कष्ट है तो मेरे स्थान पर आप वन चले जाइए ना। उपहास करना नहीं छोड़ेंगे ये। चलिए पंडित रामकृष्ण, प्रस्थान का समय हो गया। महाराज अनुमति दीजिए। रुकिए गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कृपया करके पीछे आइए, पीछे आइए। पीछे पीछे क्यों? अरे आप आइए तो सही, पीछे आइए। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? देखिए पंडित रामकृष्ण, वन की ओर जाने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ना होगा, ना कि पीछे की ओर। आपका कथन सत्य है, किंतु किंतु परंतु कुछ भी नहीं। फूर्ति दिखाइए हिरण की भांति। चलिए 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 चलिए। देखिए आप क्रोधित मत होइए, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप बढ़ते हैं तो आपके साथ साथ आपकी छाया भी आगे बढ़ने लगती है। पंडित रामकृष्ण, क्या मेंढक की भांति बातें कर रहे हैं आप? हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य हमारी छाया आगे बढ़ेगी, क्यों महाराज? आपका कथन उचित है गुरुजी, परंतु पंडित रामकृष्ण कोई भी बात अकारण नहीं करते। पंडित रामकृष्ण, कृपया स्पष्ट रूप से बताएं आप कहना क्या चाहते हैं। महाराज, मैं तो केवल इतना सा कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जैसे ही गुरुजी महल से आगे की ओर बढ़ते हैं, इनके साथ साथ इनकी छाया भी बढ़ने लगती है, जो कि नहीं होना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, हम भी वही कहना चाहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी छाया ही आगे बढ़ेगी, ना कि इन मेंढक के शक्ल वाले राजगुरु तथाचारी। पंडित रामकृष्ण, हम सब भली भांति जानते हैं कि आपको पहेलियां बुझाने की आदत है, परंतु ये समय पहेलियां बुझाने का नहीं। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं आपका अभिप्राय क्या है। अभिप्राय नहीं महाराज, अभिव्यक्ति। मैं तो केवल अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ कि जो मनुष्य वचन का इतना मान सम्मान करता हो, जो दूसरों को वचनबद्ध होने का स्मरण करवाता हो, वो भला स्वयं का दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकता है। आप किस वचन की बात कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? गुरुजी के वचन की बड़ी महारानी। जीवन भर आपकी छत्र छाया महाराज और विजयनगर के इस महल पर सदैव बनी रहे, बस यही वचन चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव महाराज के साथ है ही, फिर भी हम आशीर्वाद और वचन देते हैं कि महाराज पे और इस महल पे हमारी छत्र छाया सदैव रहेगी। तो गुरुजी, मैं तो आपको आपका वचन तोड़ने से ही रोक रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप महल से आगे बढ़ते हैं, आपके साथ साथ आपकी छाया भी महल से दूर होने लगती है। देखिए, मैं वन जाने को तैयार हूँ, किंतु आपको अपनी छाया यही महल में छोड़कर जानी होगी। हाँ पंडित रामकृष्ण, ये हमारी छाया है, कोई सर्प की केचुई नहीं जिसे वो त्याग दे। भला कोई मनुष्य अपनी छाया कैसे त्याग सकता है? अब ये तो आपको वचन देने से पूर्व विचार करना चाहिए था ना गुरुजी। जिस प्रकार महाराज ने अपने वचन की लाज रखी, उसी प्रकार आप भी अपने वचन की लाज रखिए, क्यों अम्मा? तेनाली।
पंडित रामाकृष्णा, हमने आपके बारे में सत्य ही सुना है। आप में लोमड़ी की बुद्धि है, चीते की चतुराई है और तोते का ज्ञान है। अद्भुत पंडित रामाकृष्णा, अद्भुत। अब हमारी समझ में आ रहा कि महाराज आपको हमारे साथ वन भेजने में इतना द्रवित क्यों हो रहे थे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का स्थान वन में नहीं, अपितु यहाँ इस राज दरबार में है। किंतु महाराज के वचन का क्या होगा? आप एक कार्य कीजिए, गुरुवर को अपने साथ ले जाइए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। निर्णय हो चुका है, हम चुनाव जीत चुके हैं। हम महाराज के चरण और विजयनगर की चौखट छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। शांत हो जाइए गुरुवर, मैं मात्र उपहास कर रहा हूँ। डर गए थे। तो गुरुजी, तय रहा, आप अपना वचन निभाएंगे और विजयनगर में ही रहेंगे। जी गुरुजी, आप यहीं रुक जाइए, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। हाँ, और हम स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। हमारे गटरू मटरू गबच्चू तुंडू का क्या होगा? गटरू मटरू तो पता था, परंतु ये सब कौन है? ये वो पशु पक्षी है जिनको हमने पाला है, जिनसे हमें और जिनको हम अत्यधिक प्रेम करते हैं महारानी। उनके बगैर हम और हमारे बगैर वो रह नहीं सकते। महाराज, हमारे प्राण तो वन में बसे हैं। तो जिस भांति आप उनके बिना नहीं रह सकते, उसी भांति मैं भी तो अपने महाराज के बिना नहीं रह सकता ना गुरुजी। जिस प्रकार आपके प्राण वन में बसते हैं, उसी प्रकार मेरे प्राण भी तो विजयनगर में बसते हैं ना। सत्य वचन। धन्य है पंडित रामाकृष्ण, धन्य है। कितनी सुंदरता से आपने हमें ये उपमा दी है, कितनी सुंदरता से आपने हमें समझाया है। महाराज, हम आपको आपके वचन से मुक्त करते हैं। पंडित रामाकृष्ण को हमारे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु महाराज हमें वन लौटने की अनुमति दे दीजिए। किंतु गुरुजी, आप तो महाराज के राज्याभिषेक तक रुकने वाले थे ना? हाँ, रुकने वाले थे, किंतु अब नहीं रामाकृष्ण। आज प्रातःकाल ही ककलू कौवा आकर हमसे कह के गया कि हमारी नंदी गौ अस्वस्थ है, तो शीघ्र अतिशीघ्र हमें आश्रम जाना होगा उसके उपचार के लिए। महाराज, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। धन्यवाद गुरुजी। यशस्वी भव। सुमेरमल जी, आप गुरुजी के साथ 10 सेवक भेजिए और स्वयं इन्हें ससम्मान विजयनगर की सीमा तक छोड़कर आइए। महाराज, गुरुजी, हम शीघ्र ही आपसे भेंट कर रहे हैं, आपके आश्रम आएंगे। अवश्य महाराज, अवश्य, हम आपकी राह देखेंगे। पंडित रामाकृष्ण, आज आपने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि एक विद्वान मनुष्य राजा से भी बढ़कर होता है। आपके बुद्धि, नीति और ज्ञान के संगम के समक्ष हम सब पुनः नतमस्तक हो गए। धन्यवाद महाराज। अब आप दोनों सदैव हमारे पास ही रहेंगे। महाराज, कल आपका राज्याभिषेक है, तो मैं और गुरुवर देखकर आते हैं कि सारे प्रबंध सुचारू रूप से हो रहे हैं अथवा नहीं। चलिए गुरुवर। हाँ चलिए। चले जाइएगा, चले जाइएगा, परंतु जाने से पूर्व हमें ये तो बता जाइए कि हमारे राज्याभिषेक के अवसर पर आप दोनों हमें भेंट क्या देने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी जाने वाली भेंट ही ये तय करेगी कि आप में से कौन हमारे हृदय के अधिक समीप का स्थान ग्रहण करेगा। याद है ना हमने क्या कहा था? आप दोनों में से हमें कौन ऐसी भेंट देगा जो हमें अधिक भाएगी? अब देखना है कि आप दोनों में से कौन हमारे हृदय के अधिक समीप है। महाराज, आपके हृदय के सबसे समीप वाला जो स्थान है वो तो पहले से ही आरक्षित है। वो कैसे? उस पर हमारा जो अधिकार है। ये आप निर्धारित नहीं करेंगे गुरुवर, अपितु किसकी भेंट महाराज को सर्वाधिक पसंद आएगी ये उससे निर्धारित होगा, और वो भेंट मेरी ही होगी। अरे जाइए जाइए पंडित रामाकृष्ण, आप क्या देंगे भेंट? हमारी होगी भेंट। तो हम देंगे महाराज को ऐसी भेंट देंगे, ऐसी भेंट देंगे, ऐसी भेंट देंगे कि महाराज के हृदय के सर्वाधिक समीप हम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान मैं ही प्राप्त करूंगा। वो स्थान तो हम ही प्राप्त करेंगे।
हम करेंगे, हम प्राप्त करेंगे, हम कहते हैं कि शांत हो जाइए। आप दोनों में से किसकी भेंट हमें अधिक पसंद आएगी, इसका निर्णय कल राजाभिषेक के अवसर पर ही होगा। और क्या होगी वो भेंट, ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.